हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अ बैक वर्कआउट विदाउट अ बार। जितने लोग परेशान हैं कि भाई बार नहीं है, घर के आसपास झूले नहीं है, घर से बाहर नहीं जा पा रहे कोविड की वजह से, घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कैलिस्थेनिक्स में हम हमेशा बैक वर्कआउट सजेस्ट करेंगे विद अ पुल अप बार, क्योंकि भाई इवेंचुअली आपको उसी में प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, पुल अप, एक्सप्लोसिव पुल अप, मसल अप 360 सब बार पे होनी है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वो समथिंग है 5 एक्सरसाइजेस इस वीडियो में। आपको सिर्फ एक टॉवल लगेगा और आप 5 एक्सरसाइज से अपनी बैक को ट्रेन कर पाओगे अपने घर पे ही। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो इस रूटीन की जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, वो पुलअप को रिजेंबल करेगी। किस तरीके से, देखो पुलअप इस तरीके से होती है ना, बार के ऊपर तक जाते हो फिर बार से नीचे आते हो स्लोली कंट्रोल फॉर्म में, राइट। यहाँ पे आपको एक टॉवल लेना है और इस तरीके से उसको बाहर की तरफ पुश करना है। उस टॉवल पे पूरा दम लगेगा आपका बाहर की तरफ, और उसके बाद आप स्लोली नीचे लेकर आओगे उसको। एक बार पीछे की तरफ लेके जाओगे उसको और एक बार आगे की तरफ लेके आओगे, कुछ इस तरीके से। पूरी फील लेनी है बैक पे, और जब बैक कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो तो ब्रीद आउट, उसके बाद मोशन के टाइम पे ब्रीद इन, सिंपल। तो अब इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रैप मारो, जो बिगिनर है वो 10, इंटरमीडिएट 12 और एडवांस अपना 15 रैप मारेगा, और सेट मारेगा इसके 3 से 4। 3 तो आपको मिनिमम मारने हैं, मैक्सिमम आपको 4 मारने हैं, उसके बाद बढ़ना है आपको अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज है जो कि मेरी फेवरेट है, आपको एक मैट बिछानी है जमीन पर। आपको इस तरीके से अपनी एल्बो को उस मैट पर रखना है, मैट, चटाई, चादर कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बेसिकली आपको मोशन मिल जाए। क्योंकि अगर जमीन पर आप इस एक्सरसाइज को करोगे ना तो कोनी छिल जाएगी, अटक जाएगी फ्रिक्शन से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपको इस तरीके से आपने एल्बो रखी और उसको अंदर की तरफ लेके आना है, और आपकी बैक यहाँ पे पूरी कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद उसको रिलीज करो एंड देन फिर से यही करो। इसके रेप रेंज रहेंगे आपके 8 से 10 और सेट रहेंगे 3 से 4। सेट सारी एक्सरसाइज में 3 से 4 ही रहने वाले हैं, तो अब मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ओके। जब इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लो, आपकी बैक में पहले ही आपको फीलिंग आ जाएगी कि ओहो कुछ तो हो रहा है भाई, जब घर पे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपको एक्सरसाइज करनी है उसमें विजुलाइज करनी है आपको रोज, जैसे रोज करते हैं उसी तरीके से यहाँ करना है। अब जैसे आपने देखा होगा ये जो एक्सरसाइज है ना, ये गांव में आंटी लोग मक्खन निकालते वक्त कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपको स्क्वाट ऐड करना है। हल्का सा स्क्वाट ऐड किया, आपकी बैक एक्टिवेट हो गई, हाथ आगे स्ट्रेच्ड आउट है, टॉवल को रैप अराउंड किया किसी पोल से या फिर टेबल के किसी, मतलब समझ जाओ किस तरीके से रैप अराउंड कर लो। अब वहाँ पकड़ लिया, एक हाथ स्ट्रेच्ड आउट है और एक हाथ कॉन्ट्रैक्टेड है। इसी तरीके से आपको रेपिटेशन करनी है 10 से 15, सेट रहेंगे 3 से 4। इसके बाद जाओ और भी बेहतरीन एक्सरसाइज पे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, मतलब करते वक्त ना मजा आ जाएगा। अच्छा देखो, इसका ना कोई नाम वाम नहीं है, इसमें बस देखना है और इसी तरीके से करना है अटेम्प्ट। बैक हर एक एक्सरसाइज में आपकी बिल्कुल आर्च रहेगी, और आर्च के साथ ही आपको सारी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। अब यहाँ क्या करना है, जो पोल अभी आपने रैप अराउंड किया था उसी को हाथ से पकड़ लिया। अब हाथ से पकड़ते पकड़ते आप एक लेवल से शुरू करोगे, एक्सरसाइज कहीं से भी शुरू कर सकते हो, वहीं पे करनी है इसी तरीके से इस मूवमेंट में। तो अब इन 5 एक्सरसाइज से मिला जुला के आपका हो जाता है वर्कआउट खत्म। इनको अच्छे से करो, रेप और सेट आपको पता चल चुके हैं, साथ में आपको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है। और जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्या इसको रोज मारना है, क्या इसको हफ्ते में 5 बार मारने से बॉडी बन जाएगी, ये क्या लॉजिक है, ये सिर्फ बैक का वर्कआउट है, टाइटल में लिखा हुआ है ना बैक का वर्कआउट, तो ये सिर्फ बैक को ट्रेन करेगा। और बैक ही सिर्फ बैक से बॉडी नहीं बनती भाई, आपको एक बैलेंस वर्कआउट फॉलो करना है, उसमें आपकी बैक, चेस्ट, शोल्डर, ट्राई, बाय, एब्स, लेग्स सब होगा, तब जाके कहीं रिजल्ट दिखेंगे। एक प्रॉपर बैलेंस वर्कआउट विद अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, तब जाके आपको प्रॉपर बैलेंस रिजल्ट मिलेंगे। तो ये अजीब अजीब से कमेंट मत करो यार, अच्छे कमेंट करो, अगर कोई नॉलेजेबल चीज़ पूछनी है वो पूछो, रिप्लाई तो देखो हम सारे करेंगे तब भी,
कोई फालतू बोलेगा तो शायद गाली भी सुन लेगा, ऑब्वियसली वो मैं नहीं करता, वो वेदांत होता पक्का भाई। मैं तूने करी थी गाली? नहीं मैं नहीं था। हाँ तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ऐसे स्टूपिड चीजें पे ध्यान मत दो। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जो अजीब अजीब से चैलेंज होते हैं कि आई ट्रेन लेग्स फॉर 30 डेज, क्यों? मतलब आई ट्रेन बाइसेप्स फॉर 30 डेज, क्यों भाई? बैलेंस वर्कआउट करो हमेशा, बैलेंस डाइट लो हमेशा। 3 बार रिपीट कर दी ये बात, क्यों? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाए ये बात, ठीक है? बढ़िया, बड़े आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अब मैं चाहूँगा आप ये वीडियो चेक करो, फिर ये वीडियो चेक करो, फिर ये दोनों वीडियो चेक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट इंस्टाग्राम आपके लिए ऑलवेज ओपन है। ओके बाय।